नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। इन कॉन्टिन्यूशन विद योर वीकली करंट अफेयर सीरीज, आज हम 27 मई से 2 जून तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, नासा लॉन्च्ड प्री फायर सैटेलाइट टू स्टडी। नासा ने हाल ही में एक प्री फायर सैटेलाइट जो है लॉन्च की है, वो किस पर्पस के लिए है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो, सबको पता है जलवायु परिवर्तन कितनी बड़ी समस्या आजकल है, कितना बड़ा मुद्दा आजकल बन चुका है। तो होगा क्या, ये इंफ्रारेड, जो आपको मैंने शायद कल लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो उस इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये क्या करेंगे, जो भी हीट रिलीज हो रही है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक से, सो उस पर्टिकुलर हीट वेव को जो एस्केप हो रही है उसको ये मेजर करेंगे कि कितनी हो रही है ना, हाउ मच हीट इज एस्केपिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, तो उस माध्यम से कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलरली जो हमारी क्लाइमेट मिटिगेशन जो है या क्लाइमेट प्रेडिक्शन है उसको बेहतर बना देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमिनन है उसको ये पर्टिकुलरली स्टडी यहां पर करने वाले हैं। ड्रोन वॉल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद, एक ड्रोन वॉल आपकी बनाने जा रहे हैं कितने, जो आपके 6 देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। ठीक है, ये 5 देश, सॉरी, ये 5 देश जो हैं ये क्या बनाने जा रहे हैं, ड्रोन वॉल। होगा, हो क्या रहा है, ये 5 देश जो हैं ये रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और रशिया जो है इन देशों में कहीं ना कहीं आपका जो इन्फिल्ट्रेशन है वो करता है, और दूसरा पर्टिकुलरली क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस भी सामने आते हैं। नजर रखने के लिए यहां पर इन देशों ने एग्रीमेंट किया कि भाई हम क्या करेंगे, ड्रोन वॉल बनाएंगे। अब ये पर्टिकुलरली देश जो है सारे के सारे नेटो के मेंबर हैं, है ना, तो नेटो जो है वो आपका पर्टिकुलरली इसको बनाने वाला है। नेटो कंट्रीज, यहां पे लिखा ना, नेटो कंट्रीज हैं ये पर्टिकुलरली आपके बनाने वाले, तो देश के नाम याद रखने हैं। 3 तो आपके बाल्टिक नेशंस ही हो गए, है ना, वो कौन से हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एक हो गया पोलैंड, एक हो गया फिनलैंड, एक हो गया नॉर्वे, आई एम सॉरी 6 ही हैं। ठीक है, 6 हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक नेशंस बोलते हैं इनको, नॉर्वे, फिनलैंड और पोलैंड, ये के अदर नेशंस हैं, नेटो के मेंबर हैं, तो वो पर्टिकुलरली इस ड्रोन वॉल को बनाने वाले हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन आर्मी पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है, इंडियन आर्मी जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनर कर रही है या किया है, एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है IOCL के साथ, इंडियन ऑयल जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके साथ इन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर दिया है, ताकि ये क्या कर सकें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो आपकी बना सकें, और जो कि कहीं ना कहीं आपका एक ग्रीन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म सॉल्यूशन बन सकता है, ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन बन सकता है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज सेट टू स्टार्ट 1 person 1 file, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 person 1 file, ये आपका शांघाई अथॉरिटीज ने स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब चाइना इसको बना रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज मास सर्वेलेंस प्रोग्राम। मास सर्वेलेंस मतलब हर एक पर नजर रखनी है, चाइना में जितने भी आपके पर्टिकुलरली अभी आपके फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास हैं, CCTV कैमरास जो हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट ये 3 गुना करने वाला है ना, तो 1 person की 1 file। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं आपका डिजिटल टोटेलिटेरियनिज्म का आपका की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो 1 person 1 file चाइना जो है वो आपका शुरू कर रहा है, शांघाई की अथॉरिटीज ने इसका काम शुरू कर दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, तो ये अवार्ड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेजर राधिका सेन जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, सुंदरनगर से, तो उनको आपका मिला है टू प्रमोट वॉट, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए इनको मिला है। इनकी डिप्लॉयमेंट जो है ये अभी कहाँ थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये आपकी सर्व कर रही थी, UN पीस कीपिंग फोर्सेज में। नाउ रिसेंटली आपको पता है कि हीट वेव जो है बड़ी न्यूज में थी, है ना, हीट वेव और गर्मी बहुत ज्यादा आपकी हो गई थी, है ना, तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो आपका न्यूज में था, वेट बल्ब फिनोमिनन न्यूज में था, तो आपको पूछा जा सकता है कि वेट बल्ब फिनोमिनन या टेम्परेचर जो है वो किसका माप है, किसका मेजर है, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपको ड्राई टेम्परेचर में अगर गर्मी बहुत है और टेम्परेचर बहुत ड्राई है, तो उस वक्त अगर आपको स्वेटिंग आ रही है तो वो इवेपोरेट हो जाएगी,
है ना। तो मतलब क्या है कि आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होगा बिकॉज ऑफ द आपका हीट, और उससे आपकी स्वेटिंग होगी। अब स्वेटिंग आपकी जो है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा पानी, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ठीक ठाक है। बट अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है प्लस एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो वेट ज़्यादा है, तो आपकी स्वेटिंग जो है वो आपकी इवेपोरेट नहीं होगी, और पर्टिकुलरली उसमें आपको जो है कहीं ना कहीं आपका जो सफोकेशन वाली कंडीशन हो सकती है। तो इसका मतलब बहुत डेंजरस कंडीशन है। इसीलिए कहते हैं कि कोस्टल एरियाज जो हैं उसमें अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो और टेम्परेचर ज्यादा हो तो बहुत ही ज्यादा आपकी पर्टिकुलरली टेम्परेचर कंडीशन जो है वो आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए खराब हो सकती है। सो वेट बल्ब फिनोमिनन बहुत ही खतरनाक कंडीशन कहीं ना कहीं हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, काजा समिट टुक प्लेस इन, काजा समिट जो है अभी रिसेंटली ये पांच देश जिम्बाब्वे, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया और जाम्बिया, अगर आप देखोगे साउथ ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये आपके देश पड़ते हैं, इन लोगों ने, इन पर्टिकुलर देशों ने आपकी एक समिट की है जिसको बोलते हैं काजा समिट, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो इस पर्टिकुलर एरिया में आइवरी ट्रेड बड़ा फेमस था। आइवरी क्या होता है, जो आपके हाथी के जो टस्क होते हैं ना, जो आपके दांत होते हैं, वो राइनोसोरस का जो टस्क होता है, उन सब की ट्रेड करके ये बिलियन ऑफ डॉलर कमा रहे थे। लेकिन क्योंकि एक कन्वेंशन है, जो आपकी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए है, मतलब आप एंडेंजर्ड स्पीशीज का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। 1975 में ये आपका लागू कर दिया गया था, और ये देश बोल रहे हैं कि हमने इस साइट से बाहर निकलना है अब, है ना। क्यों? क्योंकि हमें जो है आइवरी ट्रेड करनी है, तो कहीं ना कहीं आपका बाकी इनको मना कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली ये आपका हाथियों के इलीगल किलिंग बहुत कराएगा, है ना। बट दे आर सेइंग कि हमारे पास बहुत सारी आइवरी पड़ी हुई है और आप ट्रेड करने से मना कर रहे हो। सो इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। काजा समिट ये आपका कहां पे हुई है, अभी जाम्बिया में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ILO रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड द वर्ल्ड विल बी डैश इन 2024। तो 2024 में ये 4.9% रहने वाली है, ऐसा अनुमान जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। अब अगले साल एक्सपेक्टेड कितनी है, इतनी ही है, 4.9 2025 में भी रहने वाली है, और 2023 में ये आपकी लगभग 5% रही थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है घटा है, लेकिन बहुत ही नाम मात्र घटा है, कहीं ना कहीं 0.1% घटा है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट्स कभी आपके अदर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। रिसेंटली IUCN डिक्लेयर्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ऑफ विच ऑफ द एरिया इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आपको पता है IUCN जो है, जो 1948 में बना हुआ है, ये आपका रेड डेटा लिस्ट निकालता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटेंट एस एज ए लिस्ट कंसर्न वगैरह वगैरह ना। तो अब उसने क्या किया हुआ है, कुछ एरिया के मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्या कर दिया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासीफाई कर दिया है। तो वो कौन से हैं, वो ऑल ऑफ दिस, मतलब साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स जो हैं, उन सब के एरिया को इसने क्या कर दिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर समिट में भी हुआ क्या था, जब डिक्लेयर हुआ है, पूरी दुनिया के मैंग्रोव्स को 36 हिस्सों में बांट दिया गया था, और यह कहा गया है कि दुनिया के आधे से ज्यादा मैंग्रोव्स जो हैं वो क्या है, खतरे के निशानी पर है, हाई रिस्क पर उनको कहीं ना कहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय 3D प्रिंटेड इंजन। तो 3D प्रिंटेड इंजन सबसे पहला आपका बना हुआ है भारत में, वो बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस ने, और उस इंजन से एक रॉकेट को पावर किया गया है जिसका नाम है अग्नि बाण सॉर्टेड। ये रॉकेट का नाम है, ठीक है। इंजन का नाम जो है वो अग्निलेट है, अग्निलेट, और वो एक क्या है, 3D प्रिंटेड इंजन है। तो काफ़ी टाइम से ये ट्राई कर रहे थे, अग्निकुल कॉस्मोस जो कंपनी है, स्टार्टअप है, कि इसको भेजा जाए, लेकिन ये सफल हो रहे थे, हाल ही में ये सफल हो गए हैं। और एक और खासियत क्या है कि श्रीहरिकोटा, आपने सुना होगा कि क्या है हमारा श्रीहरिकोटा जो है, हमारा क्या है, लॉन्च पैड है, मतलब लॉन्चिंग स्टेशन है, वहीं से हम लॉन्च करते हैं। तो वहाँ पे एक धनुष नाम का लॉन्च पैड जो है वो आपका बनाया गया है, मतलब वो प्राइवेटली कहीं ना कहीं आपका बनाया गया, प्राइवेट संस्था द्वारा चलाया जाता है, बाकी तो इसरो द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो धनुष लॉन्च पैड से क्या लॉन्च हुआ है, अग्निबाण सॉर्टेड, और ये अग्निबाण सॉर्टेड क्या है, रॉकेट, और जो इंजन है 3D प्रिंटेड इंजन वो क्या है, उसका नाम है अग्निलेट, और किसके द्वारा बनाया गया, अग्निकुल कॉस्मोस, ये ध्यान रखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन
हेल्थ प्रमोशन अवार्ड 2024. तो ये आपका निमहंस ने, निमहंस जो है आपकी बेंगलोर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज. भारत में कहीं ना कहीं ये बहुत एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है. किसके लिए? रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन है मेंटल हेल्थ के लिए. तो इसको इस बार मिला है. ये जो आप यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर मैरियम जलहामा, इसको पिछली बार कहीं ना कहीं दिया गया था नेल्सन मंडेला अवार्ड. Which of the following film won Grand Prix Award in 77th Cannes Film Festival? अभी recently 77th Film Cannes जो festival है, Cannes Festival है, वो आपका organize किया गया. And ये And We Imagine As Light इस particular film के लिए आपका दिया गया है particularly. ये ध्यान रखना है आपने. तो आपने मुझे बताना है particularly ये किस भारतीय को दिया गया है, मतलब कौन भारतीय इसमें involved था. दो film maker यहाँ पर involved हैं, तो उन दोनों के नाम आपने comment section में बताने हैं. ठीक है. Among the following became first Indian to win gold medal at Asian Senior Championship. ये अभी उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंत में हुई है और दीपा कर्माकर, जिनका आप यहां पर फोटो देख रहे हैं, जिमनास्ट है ये पहली महिला बनी है या पहले एथलीट बनी है जिन्होंने एशियन सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, दीपा कर्माकर त्रिपुरा से ही है, अगरतला से. ठीक है, ध्यान रखना. वर्ल्ड हंगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो हंगर डे जो है 28 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम जो इस बार है वो है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड. ध्यान रखना, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं. मिलेंगे आपको नेक्स्ट आपके जो जून के अगले करंट अफेयर्स की वीडियो है उसके साथ. टिल देन टेक केयर, थैंक यू.